सबसे पहले मैं अप्लाई कर लेती हूँ अपना DIY सीरम जो मैंने ग्रीन टी का सीरम बनाया था। सबसे पहले अप्लाई करती हूँ और उसके बाद आपके पास आके मिल। सेकेंड बारी आती है प्राइमर की, तो प्राइमर के लिए यहाँ पर मैं मैक का प्राइमर यूज कर रही हूँ। वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि जो भी लोग घर में जिनके पार्टी हो रही है यानी कि एंगेजमेंट हो रही है या निकाह हो रहा है या रस्म वगैरह हो रही है, तो उससे रिलेटेड आज का मेरा मेकअप है जो है। तो अगर आपको मेकअप लुक अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मैंने जो चीज़ें बाई की हैं और आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्रिस्टीन का ऑयल कंट्रोल फेस पैन के लिया है और ये SPF 30 है, देख सकते हैं आप। इसका शेड है 01 नेचुरल 01 शेड है इसका। और ये मैंने अभी न्यू बाय किया है क्योंकि मेरे पास इंडियन पैनकेक्स थे तो मैंने क्रिस्टीन का पैनकेक लिया है। इस कलर का है, कुछ ऑयल फ्री पैनकेक है ये। तो सेकंड चीज़ जो मैंने खरीदी है वो ये है नॉट की फाउंडेशन और ये है डिटॉक्स एंड प्रोटेक्ट फाउंडेशन SPF 50 फॉर ऑल स्किन टाइप्स स्वीट्स आलमंड शेड नहीं है इसमें, FS 45 नंबर है ये। और इस पर कोई इंग्रीडियंट्स मेंशन नहीं है। तो आज हम अपनी बेस या फाउंडेशन इसी से ही फिक्स करेंगे और इसका रिजल्ट देखेंगे कैसा है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है कलर इंस्टीट्यूट का ये आई शेडो है और आज हम इसी से जो है इसमें 03 मेरे पास शेड है। ये इस तरह का कुछ प्लास्टिक की डिबिया है ये, इसको मैं स्क्वाचेस करके दिखा देती हूँ आपको। ये बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है कलर। तो आज हम इसी से ही अपने फेस पे हाइलाइट्स करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं मेकअप। यहाँ पर मैंने नॉट की फाउंडेशन ली है और उसको डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई किया है और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर मैं फिंगर की मदद से मैंने ब्लेंड किया था, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर लिया अच्छे से। इसकी कवरेज बहुत ज़बरदस्त है, आप देख सकते हैं सारे डार्क सर्कल्स वगैरह जो है हाइड हो गए हैं अच्छे से। और मैं इसे अपनी आईज बेस भी इसी से ही बना रही हूँ। फेस के साथ साथ मैं यहाँ पर अपनी नेक भी कवर कर रही हूँ बहुत ही अच्छे से। मैंने नॉट की फाउंडेशन ली थी उसी से मैं अपनी नेक को भी साथ साथ कवर कर दूँ ताकि मेरा फेस और नेक एक इक्वल टोन में लगे। इसी से ही बहुत अच्छे से डार्क सर्कल्स कवर हो गए हैं। तो ये फाउंडेशन बहुत ज़बरदस्त है ऑयली स्किन के लिए। तो आईब्रोज को शेप दे लिया है और अब मैं अपनी आईब्रोज को जो है नॉट की फाउंडेशन से अच्छे से शेप दे लेती हूँ। तो यहाँ पर मुझे बनानी है अपनी हैवी ब्राइडल बेस। तो ब्राइडल बेस बनाने के लिए यहाँ पे मैं क्रिस्टीन का ऑयल फ्री पैनकेक ले रही हूँ और इसको स्क्रैच करके हल्का सा स्कैप में डालूंगी और इसका एक लिक्विड बना लेती हूँ रोज वाटर के। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से इसको लिक्विड बना लिया है इसका। आप चाहें तो ज़्यादा गाढ़ा भी बना सकते हैं लेकिन मैंने नॉर्मल 2-3 ड्रॉप्स जो है वो वाटर के डाले हैं और इसका अच्छे से जो है एक पेस्ट बना लिया है ताकि हमारी बेस जो है वो और ज़्यादा फ्लॉलेस और लॉन्ग लास्टिंग हो सके। तो इसको मैं अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी ब्रश की मदद से क्योंकि यहाँ पर हम घर में पार्टी मेकअप मॉडल या पार्टी मेकअप कर रहे हैं, एंगेजमेंट मेकअप कर रहे हैं, तो इसीलिए लड़कियाँ खुद कर सकती हैं। इसीलिए मैं एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ आप लोगों को बिगनर्स के लिए ताकि आप अच्छे से घर बैठे अपना मेकअप खुद कर सकती हैं। आप इसको नेक पर भी अप्लाई कर लें अच्छे से ताकि आपकी नेक और फेस जो है वो एक लगे। अभी जब हल्का सा ड्राई हो जाएगा तो मैं इसको स्पंज की मदद से पूरे फेस पे ब्लेंड कर दूंगी। आप देख सकते हैं पूरा फेस अच्छे से कवर हो गया है, इससे वाटर बेस हो गई है ये, हमारी ऑयल फ्री वाटर बेस हो गई है कंप्लीट जो पार्लर्स में अक्सर बनाते हैं। तो यहाँ आप अच्छे से बिल्कुल इसको ब्लेंड कर लें ब्रश की मदद से, मिक्सिंग कर लें। अब मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ कि कितनी अच्छी मेरी बेस बनकर तैयार हुई है। और अब इसको ब्लेंडर की मदद से वाटर बेस जो है ये ऑप्शनल थी, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं और चाहें तो इसको स्क्रिप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी और फ्लॉलेस बेस बनेगी और लॉन्ग लास्टिंग बनेगी क्योंकि आजकल गर्मियाँ बहुत हैं तो जाहिर सी बात है हर किसी के फेस पर ऑयल आ ही जाता है। ऑयल स्किन के लिए तो बेस्ट एंड बेस्ट है कि इस तरह से आप वाटर बेस लगाएं। अब ये मैंने इसको लूज पाउडर की मदद से सेट कर लिया है और अब हमारी मॉडल मेकअप या ब्राइडल मेकअप की जो है बेस कम्प्लीट हो चुकी है। सिंपल एक हमने फाउंडेशन लाइट कवरेज फाउंडेशन लगाई है और उसके बाद इसको हैवी मेकअप लुक के लिए बेस तैयार कर ली है और कितनी अच्छी मेरी बेस बनकर तैयार हुई है।
तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो हम करते हैं अपने फेस की कंटोरिंग। कंटोरिंग लिए यहाँ पे मैंने क्रिस्टीन का पैलेट लिया है और इसका शेड है 02। तो यहाँ पर मैं लाइट वाला शेड जो है ये लेकर अपने फेस पर इसकी कंटोरिंग करूँगी। आपका फेस जिस भी शेप में है आप उसी हिसाब से अपनी कंटोरिंग कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अपने कोई भी आई शेड पैलेट के अंदर से ऑरेंज कलर का शेड लेकर उससे भी आप कंटोरिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्रिस्टीन के पैलेट से कंटोरिंग कर रही हूँ और ये मेकअप इतना इजी मेकअप है कि आप अपने घर बैठे जो है आराम से अपना इंगेजमेंट का मेकअप कर सकते हैं या निकाह वगैरह का। अगर नथ के साथ अगर किया जाएगा तो ये निकाह मेकअप हो जाएगा और अगर आप इसको बिना नथ के सेट कर लेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से आपका जो है मंगनी या इंगेजमेंट वगैरह का रस्म का मेकअप हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी नोज़ भी अच्छे से कंटोर कर ली है, मैंने अपने पूरे फेस की कंटोरिंग कर ली है। मैं साथ साथ अपनी आईज़ की भी कंटोरिंग कर लेती हूँ ताकि आईज़ में अच्छे से डेप्थ आ जाए। तो कंटोरिंग के साथ साथ मैं अपनी आईज़ को भी जो है, अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आता तो अपनी आईज़ आप ओपन करें। आईज़ ओपन करने के बाद जो है ऊपर वाली जो लाइन आती है इस लाइन के ऊपर आप ये ब्रश, इस तरह के ब्रश से मैं यहाँ पर कंटोरिंग शेड ले रही हूँ और अपनी आईज़ में डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छे से आईज़ में डेप्थ क्रिएट हो गई है। लिया किट ली है छोटी सी, इसी से मैं अपनी ब्रोबोन को हाईलाइट कर लेती हूँ और इसी से ही मैं अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लेती हूँ। अच्छे से हाईलाइट करने के बाद इसकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ही पिगमेंट कलर है। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। और उससे अपनी नोज़ को हाईलाइट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं फेस किट की जो है किट ले रही हूँ 01, इसका शेड है 01। तो इसमें से मैं बहुत ही प्यारा सा ये पिंक कलर, लाइट पिंक कलर अपने एप्पल चिक्स पर अप्लाई कर ली हूँ। और यहाँ पर मैंने पाउडर लगाकर छोड़ दिया है ताकि जब तक हम अपना आईज मेकअप कंप्लीट करेंगे तो जो भी फेस पर ऑयल आएगा वो ये एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद हम इसको ब्रश की मदद से डस्ट ऑफ कर देंगे। अगेन मैं यही ब्रश का जो प्रोडक्ट बाकी है वो अपने फॉरहेड, चिन पर और जॉ लाइन पर लगा लूँगी। मैं अपने आईब्रोज को कॉम कर लेती हूँ क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा पाउडर वगैरह अप्लाई किया है तो ये अच्छे से वाइट ना हो जाए। इसको अच्छे से कॉम करके छोड़ देती हूँ ताकि बिल्कुल नेचुरल लगे। आप देख सकते हैं कितनी नेचुरल लग रही है आईब्रोज। यहाँ पर मैं अगेन क्रिस्टीन के पैलेट से बिल्कुल हल्का सा शेड लेकर और अपने कॉर्नर पर रख रही हूँ ताकि दोबारा से अच्छे से ब्लेंड हो जाए। बिल्कुल अच्छे से हमने ब्लेंडिंग करनी है मेकअप की, हमने बहुत ज़्यादा शेड इस्तेमाल नहीं करने हैं। और वही ब्रश मैं अपनी लॉर लैश पर अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरी आईज अच्छे से बड़ी बड़ी लगें। एंड से लेकर बिल्कुल सेंटर तक, एंड से सेंटर तक हमने पूरी आईज पे इसको नहीं लगाना है ब्राउन शेड को, सिर्फ एंड से लेकर सेंटर तक हमें इसको अप्लाई करना है और एंड पर ला के हल्का सा बाहर निकाल देना है। बस ये हमारे आईज का कम्प्लीट हो गया। अब जो भी हमारे कपड़ों में शेड अवेलेबल है, जिस भी कलर के हमारे कपड़े हैं हमने उसी शेड का हल्का सा ग्लिटर लेना है। ये मैं किस ब्राउन की किट से ये पिंक शेड ले रही हूँ, ये देख सकते हैं आप। और अपनी हल्का सा आई बॉल पर इसको रखकर ब्लेंड कर दूंगी फिंगर टिप्स की मदद से ही। ये देख, इसकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं कितना हसीन लग रहा है ये विदाउट आईज मेकअप का, मेकअप किए हुए ही कितना अच्छा आईज मेकअप हो गया है हमारा। और अगर ये थोड़ा सा झड़ भी जाता है तो उसका कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने नीचे ऑलरेडी अप्लाई पाउडर किया हुआ है। जब हमारा आईज मेकअप कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको अच्छे से डस्ट ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं ये पूरी अपने सेंटर में रखकर और अपनी पूरी आईज पर इसको ब्लेंड कर लेना है। ये बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ईजिली जो है ब्लेंड हो जाते हैं प्रेस कर। बाद मुझे अगेन वही ब्लेंडिंग ब्रश लेना है जिससे मैंने अपनी आईज को डैप दी थी ब्राउन कलर को, और अच्छे से इसको फेस को जो है लाइन को ब्लेंड कर देना है ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रह जाए।
देख सकते हैं अच्छे से ब्लेंड हो गया है। और उसके बाद लेना है एक एंगल ब्रश, यहाँ पर मैं छोटा सा एंगल ब्रश यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे गुल फ्लावर की 28 कलर आई शेडो पैलेट है मेरे पास, इसमें से ये ब्लैक वाला कलर, डार्क ब्लैक कलर लेकर अपने इनर कॉर्नर पर रखना है। अब मैं बिल्कुल जूम करके दिखा देती हूँ, इस तरह से रखकर और हल्का सा बस ऐसे प्रेस करना है, इसको यहीं सेट कर देना है हमने। आई होप कि आपको नज़र आ रहा हो, मैंने पहले विंग लाइनर जिस तरह हम लगाते हैं, विंग लाइनर क्रिएट करते हैं, इस तरह से मैंने उसको रखा है और उसके बाद इस तरह से डेप कर दिया है। उसके बाद अगेन मैं दूसरी आई में भी इसी तरह से ये इसको यहाँ रखूँगी। यहाँ पर मैंने बिल्कुल दोनों आईज़ के कॉर्नर्स पर अपना आई शेड रख लिया है ब्लैक, और उसके बाद मैं इसको ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से अच्छे से इसको अपवर्ड डायरेक्शन और डाउन डायरेक्शन के अंदर अच्छे से इसको ब्लेंड कर दूँगी। मैं बिल्कुल करीब आकर आपको दिखा देती हूँ। इसी तरह से मैंने दूसरा वाला करना है, इसको इधर ही रखकर ब्रश को बस ब्लेंड करना है नीचे और ऊपर की तरफ। नो कितने अच्छे से इजीली ब्लेंड हो गया है। ऊपर का साइड जो है वो मैंने ऊपर के साइड लेके जाना है, और जो नीचे का साइड है वो मैंने लोअर लैश की तरफ अपने डाउन पोजीशन में इसको ब्लेंड कर देना है। ये हमारा आईज मेकअप हो गया है डन विदाउट एनी शेड्स के साथ। सिर्फ टू शेड मैंने इसमें यूज़ किए हैं, एक ग्लिटर शेड यूज़ किया है और एक ब्राउन शेड कंटोरिंग का शेड यूज़ किया है, और थर्ड ये जो ब्लैक शेड मैंने यूज़ किया है। अब देख सकते हैं आईज कितना अच्छा आईज मेकअप कंप्लीट हो चुका है, हमारा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे मैं सोफिया आशले की जो है पेंसिल, वाइट पेंसिल अपनी आईज में लगा रही हूँ। व्हाइट पेंसिल मैंने लगा ली है, उसके बाद यहाँ पे मैं फिट मी की आई लैश यूज़ कर रही हूँ। 3D आई लैशेज हैं ये, 27 फैशन फैशन फॉल्स आई लैशेज, और उसको मैं क्रिस्टीन के गम से जो है अपनी आईज पर क्रिएट कर। तो यहाँ पर मैंने एक आई लैशेज लगा ली है और दूसरी आई लैशेज मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ लगाने का तरीका। तो यहाँ पे मैं मैक्स वाटरप्रूफ मैक्स फिनिश का वाटरप्रूफ मस्कारा सबसे पहले अप्लाई कर लूँगी अपनी आई लैश पे, ताकि जब हम फेक आई लैशेज अप्लाई करें तो वो आपस में मिक्स हो जाए। ये अच्छे से मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया है, और यहाँ पर मैंने गम लगा के रख दिया था। तो सबसे पहले हमने आई लैशेज उठानी है, एंड से हमने बिल्कुल आई लैशेज उठानी है और अपने आईबॉल जो आईबॉल वाला एरिया होता है वहाँ पर टिकानी है, सेंटर में, सेंटर पार्ट पे इस तरह से टिका कर छोड़ देनी है। और उसके बाद हमने यहाँ से ये एंड वाला कॉर्नर वाला हिस्सा उठाना है, बिल्कुल अपने रियल आई लैश के साथ साथ इसको हल्का सा प्रेस करके अंदर की तरफ दबा देना है। और ये वाला जो हमारा कॉर्नर एरिया है इसको हमने हल्का सा उठाकर और ऊपर की तरफ अप्लाई करना है, ताकि हमारी आईज जो है वो बंद बंद ना लगे। ये मैं ब्रश की मदद से इसको हल्का सा टैप करके दबा रही हूँ, हल्का सा प्रेस कर देंगे अंदर की तरफ तो ये बहुत अच्छे से अप्लाई हो गया है। तो अब हमारी फेक आई लैशेज और ओरिजिनल आई लैशेज आपस में मर्ज हो गई हैं, आपस में बहुत अच्छे से लग गई हैं। मेरी आई लैशेज अच्छे से हो गई हैं सेट। अब इन सेट करने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पे लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। लाइनर के लिए मैंने यहाँ पे पेन लाइनर लिया है, और ये इनर कॉर्नर जो है सिर्फ हम यहाँ पर हल्की सी बारीक सी लाइन लगाएंगे, ताकि हमारी लैशेज जो है वो फेक ना लगे बिल्कुल भी। और उसके साथ साथ बिल्कुल हम एक बारीक सी लाइन क्रिएट कर देंगे। उसके बाद हम आईशा को बिल्कुल बारीक सी लाइन क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर हम बारीक सी, और एंड तक लेकर आएंगे। आई हैव, आप चाहें तो यहाँ पे विंग भी क्रिएट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर हल्का सा विंग क्रिएट कर रही हूँ और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी अपनी आईलैशेस के साथ साथ। मैं शेड लिया है और लोअर लैश पर अपनी अप्लाई कर रही हूँ, अच्छे से उसको ब्लेंड कर दूंगी ताकि आईज जो है वो अट्रैक्टिव लगे। पिंक कलर लिया है मैंने, आप चाहें तो अपने फेस सूट के कलर के अकॉर्डिंग कोई भी शेड ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने पिंक शेड का ग्लिटर अप्लाई किया था, इसीलिए पिंक शेड जो है मैंने अपनी लोअर लैश पर अप्लाई की है।
यहाँ मेरा आईज मेकअप हो गया है डन, और अब मैं यहाँ पर बड़े ब्रश की मदद से जो भी मैंने एक्स्ट्रा पाउडर लगाया था उसे डस्ट ऑफ कर दूंगी। अब बारी आती है लिपस्टिक की, पर लिपस्टिक से पहले यहाँ पे मैं अपने मेकअप को फिक्स कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ फेबिला का। और उसके बाद हल्का से जब फिक्सिंग स्प्रे जो है वो ड्राई होने लगे तो मैं यहाँ पर अगेन हल्की सी हाइलाइटिंग कर लेती हूँ। जो भी बोन एरिया है वहाँ पर मैं हाइलाइटिंग कर लूँगी। आपको जो भी अपने फेस का पार्ट जो मेंशन करना हो आप उस पर हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपर लिप पर, नोज़ पर, नोज़ अपर टिप पर और फॉरहेड पर अप्लाई कर रही हूँ, और लोअर लिप पर भी अप्लाई कर लेती हूँ ताकि बहुत अच्छे से मेरे लिप जो है परमानेंट हो जाए, इन्हेंस हो जाए। लिक्विड के लिए लिपस्टिक के लिए यहाँ पर मैं लिक्विड मैट की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। तो ये थी मेरी फाइनल लुक।